नाउ अभी हमने साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश की, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कि लेंस में किस तरह से अप्लाई होता है। अब ये समझने की कोशिश हमने बेसिकली क्यों की, बिकॉज हमें इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है। इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, पोल से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मे बी बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पोजीशन उसकी रखी हुई है, तो उस पोजीशन पे रखे होने से इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म होगी हमें ये पता करना है। अभी हमने जो इमेजेस का पता किया, जो साइन कन्वेंशन रे डायग्राम्स हमने बनाए, रे डायग्राम्स में हमें सिर्फ इतना पता चला कि इमेज का नेचर कितना होगा, नेचर कैसा होगा। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज का नेचर किस तरह से होगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। लेकिन दीज पोजिशंस आर रिलेटिव पोजिशंस, हमने एग्जैक्टली नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। बिकॉज फोकस और पोल के बीच में भी देखा जाए तो बहुत सारे डिस्टेंसेज हैं, इट्स अ डिस्टेंस, उसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को किस पोजिशन पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगी, इस चीज को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। सो लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक लेंस लेंगे और एक ऑब्जेक्ट। एक लेंस हमने लिया, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख के, जैसे कि यहाँ पे हमने F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करा, तो आप ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करके यू विल फाइंड कि एक इमेज फॉर्म होगी ऐसा कुछ। नाउ अब इस इमेज की दूरी एग्जैक्टली इस पोल से कितनी है हमें ये चीज़ निकालनी है। हमारा टास्क सिर्फ इतना सा है कि पोल से इस पॉइंट की दूरी, दैट इज बी डैश, बी डैश क्या है, इस इमेज का बैक, इस इमेज का बॉटम नीचा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बी क्या है, बी इज द ऑब्जेक्ट का बॉटम। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल ट्राई टू अज्यूम सम एंगल्स बिटवीन दिस रे डायग्राम। कैसे एंगल्स, लेट से अगर आप देखें तो ए बी पी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी, आई विल राइट, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी को ध्यान से अगर हम देखें। अब आप पूछेंगे ये ट्राइंगल हमने यही क्यों लिए, दिस इज हिडन ट्रायल। हमने क्या करा, हमने जितने ट्राइंगल्स यहाँ पे हमें दिख सकते हैं सभी ट्राइंगल्स को बना के देखा, जैसे कि ट्राइंगल ए एंड दिस, लेट से दिस पॉइंट इज सी, तो ट्राइंगल ए सी ए डैश भी बन रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन हमने स्पेसिफिकली इनको क्यों लिया, हमने इनको इसलिए लिया क्योंकि हमें कुछ डिराइव करना है जो कि रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है इससे, दैट इज ए डैश बी ए बी से, देन ए डैश बी डैश से, देन बी डैश पी से और बी पी से। बिकॉज ऑब्जेक्ट की दूरी है, इमेज की दूरी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है, इस बारे में हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, सो यू विल फाइंड कि एंगल ए बी पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश पी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी, दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होंगे, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को सीधा, एकदम सीधा रखा है, हमने ऐसा माना है कि ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, टिल्टेड नहीं है, नॉट लाइक दिस नॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्ट्रेट।
और इस वजह से उसकी इमेज जो फॉर्म होगी दैट इमेज विल ऑल्सो बी स्ट्रेट, दैट्स वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. नाउ देन अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ए बी पी, दिस इज ट्राइंगल, एंड ए डैश बी डैश पी में एक ये वाला एंगल भी हमें दिखाई देता है, दैट इज एंगल ए पी बी एंड एंगल ए डैश पी बी डैश. दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल एंड बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखाई देंगे, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल. दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. कौन सी लाइन है? दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए ए डैश. इन दो लाइन्स के इंटरसेक्शन पे ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो आई विल से कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? दैट यू विल स्टडी इन मैथ्स. सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन मैथ्स. हमने थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्शन में जरूर डिस्कस किया था, बट डीपली जब आप इसे समझना चाहते हैं सो आपके मैथ्स में ज्योमेट्री के सेक्शन में सिमिलर ट्राइंगल्स एक चैप्टर होता है. सिमिलर ट्राइंगल्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दैट चैप्टर. ओके, सो हियर वी विल टेक अजम्पशन. हेयर आई विल डायरेक्टली राइट, यहाँ हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन आई विल राइट कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी दिस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी. क्योंकि ऐसा होता है, हमने सीखा था कि सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बिल्कुल बराबर होता है. यहां पे मुझे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं और दैट्स वाई उन दोनों के साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा. साइड कौन सी? साइड मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, जैसे कि ए बी और ए डैश बी डैश कॉरस्पॉन्डिंग साइड है. Why? Because दोनों 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे लाई कर रही है. अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के इस लाइन के दोनों ही परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो इसीलिए हम ये रिलेशन लिखेंगे कि इसका और इसका डिवीजन एंड इस साइड का देन इस साइड का डिवीजन बिल्कुल बराबर होगा. एंड आई विल गिव दिस एज इक्वेशन नंबर वन. This is equation one. अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स अज्यूम करें. कौन से ट्राइंगल्स? ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी. नाउ वी विल टेक ट्राइंगल सी पी एफ टू. नाउ इन ट्राइंगल आई विल राइट नाउ सी पी एफ टू एंड ए डैश बी डैश एफ टू. सी पी एफ टू मीन्स दिस ट्राइंगल एंड ए डैश बी डैश एफ टू मीन्स दिस ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू. इन दीज टू ट्राइंगल्स ऑल्सो यू विल फाइंड कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. वाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. सो आई विल राइट एंगल सी P F2 will be equals to angle A dash
बी डैश एफ टू, दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होंगे। देन यू विल फाइंड दीज टू एंगल्स ऑल्सो, ये दो एंगल्स और हमें दिखाई दे रहे हैं। आई विल राइट एंगल सी एफ टू पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू एंड बी डैश एंड सी एफ टू पी। दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज दीज टू ऑल्सो आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, दैट इज सी पी एफ टू विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू। सी पी एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू भी बिल्कुल सिमिलर है। सो इट मीन्स अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों का साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? सी पी और ए डैश बी डैश। सो चलिए लिख देते हैं, सी पी और ए डैश बी डैश। देन पी एफ टू और बी डैश एफ टू, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इट मीन्स दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, एंड आई विल से दिस इज इक्वेशन टू। नाउ अब अगर हम इस डायग्राम को क्लोजली वॉच करें, सो यू विल फाइंड कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है, ए बी से हमने एक रे मानी जो कि इस तरह से मूव कर रही है और फोकस से पास हो रही है। अगर ये रे ए सी रे फोकस से पास हो रही है, इट मींस ये रे हमने एक पैरेलल रे अज्यूम की है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इट मींस बी पी और ए सी जो लाइन है, ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसा हमने सीखा है कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो दोनों लाइंस हो सकता है मीट कर जाए। लेकिन इस वक्त अगर ए सी और बी पी लाइन पैरेलल हैं तो आई विल से कि इन दोनों के बीच की जो भी दूरी होगी, दैट दूरी दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। सो अगर ऐसा होगा तो हम देख सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस इतना ही होगा, इतना ही होगा एंड इतना ही होगा, एंड आई विल से ए बी और सी पी बिल्कुल बराबर होंगे। सो आई विल से ए बी विल बी इक्वल्स टू सी पी बिकॉज ए सी इज पैरेलल टू बी पी। दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल होने की वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, सो आई विल से कि सी पी यहाँ पे जो लिखा है उसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ। आई कैन से सी पी की जगह ए बी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सी पी इज इक्वल टू ए बी। सो आई विल राइट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, एंड आई विल से दिस इज इक्वेशन थ्री। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर थ्री। आप देख सकते हैं ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। बट अगर हम ध्यान से देखें, सो आई विल से कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जब रिलेट किया जाए देन कुछ रिजल्ट निकल के आता है। आई विल से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, जब आप वन एंड थ्री इक्वेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल फाइंड पी एफ टू और आई विल से
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हम देख सकते हैं इट विल बी इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी, दिस एक्सप्रेशन वी विल यूज ओनली दिस मच, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। देन आई विल से कि अगर हम इसको यूज करें और इसको पलट दें, इसको रिवर्स कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा बी डैश एफ टू अपॉन पी एफ टू इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन पी पी। अगर उस चीज को हम ध्यान से देखें, हमने यहां पे कुछ नहीं किया, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को उठा के ऐसा रिवर्स लिख दिया, ऐसा घुमा के, तो बी एफ टू जो नीचे था वो ऊपर आ गया और पी एफ टू जो था वो नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, बी डैश पी जो था वो नीचे से ऊपर चला गया और बी पी नीचे आ गया। नाउ इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व देन वॉट इज पी एफ टू, पी एफ टू आई विल से PF2 is basically the focal length of this lens. PF2 क्या है? इस convex lens की एक focal length है. Second principle focus है F2 और pole से इसकी दूरी will be known as focal length. So I will say यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि PF2 is equals to F2 which is focal length. F2 is equals to focal length. Or you can use F because हम ये मान सकते हैं कि जो ये convex lens है इसके दोनों surfaces का focal length बिल्कुल बराबर है. Means ये वाली जो surface है इसका focal length F है PF2 और ये वाली surface का PF1 जो है, these two are equal. F and F दोनों ही बराबर length के हैं. So, अगर दोनों बराबर लेंथ के हैं, इट मीन्स पी एफ टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी एफ टू की जगह आई कैन राइट एफ, इन दिस डायग्राम इन दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट पी एफ टू की जगह एज एफ। नाउ व्हाट इज बी पी, बी पी इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, दिस वन बी एंड पी, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, आई विल से दिस पॉइंट बी इज बेसिकली द बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट बी इज बेसिकली द बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का बॉटम है और पी क्या है पोल, सो पोल से बॉटम की दूरी विल बी नोन एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस पोल से एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। सिमिलरली अगर बी डैश पी की बात की जाए, सो व्हाट इज बी डैश पी, B dash P is basically this distance. What is B dash? B dash है इमेज का बॉटम, जो आप इमेज फॉर्म कर रहे हैं उस इमेज का बॉटम, उसका नीचे का पॉइंट, और इस B dash की दूरी पोल से जो होगी दैट विल बी नोन एज इमेज डिस्टेंस। हमने रिफ्लेक्शन के केस में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आई विल से दिस इज बेसिकली V, दिस इज बेसिकली V, दैट इज इमेज डिस्टेंस। सो हम इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की लेट से कोशिश करते हैं, दिस विल बी बी एफ बी डैश एफ टू एज इट इज, और यू कैन से व्हाट अबाउट बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू की जगह आई कैन राइट बी बी डैश पी, दिस डिस्टेंस बी डैश पी माइनस एफ टू पी, आई कैन से बी डैश एफ टू इज बेसिकली बी डैश पी माइनस एफ टू पी अपॉन पी एफ टू एज इट इज इक्वल्स टू अपॉन बी पी। बाकी के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, बस एक रेशो बी डैश एफ टू की जगह हमने
बी डैश पी माइनस एफ टू पी करके लिख दिया। नाउ वॉट, नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम ध्यान से देखें तो सभी वैल्यूज जो वहां पे लिखी है, सभी लेंथ्स जो लिखी है, बी डैश पी, एफ टू पी, एफ देन बी पी, ये सभी लेंथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वी, यू और एफ के फॉर्म में। जैसे कि अगर बी डैश पी को देखा जाए, सो बी डैश पी सबसे ऊपर इज दिस वन, दिस इज वी। नाउ यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली एफ, वी एंड यू, यू नीड टू फॉलो द साइन कन्वेंशन। हमें यहां पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल फॉलो करके चलना है। सो अगर बी डैश पी की वैल्यू देखी जाए, सो बी डैश पी इज दिस वैल्यू एंड दिस इज वी, इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? दिस साइन विल बी पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट से, सॉरी, इमेज के लिए मुझे जाने के लिए, इमेज तक जाने के लिए मुझे पोल से राइट हैंड साइड में चलना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एंड दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। व्हाई दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव? बिकॉज लाइट रे इस तरह से आ रही है, इस तरह से मूव कर रही है। तो पोल से अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तब मैं बी डैश पे पहुंच पाऊंगा। सो आई विल से कि दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। सो इट मीन्स इस बी डैश पी की जगह आई कैन राइट प्लस वी माइनस, देन व्हाट अबाउट एफ टू पी? एफ टू इज द सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचेंगे। सो इट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। सो आई विल से एफ टू पी, दिस डिस्टेंस एफ टू पी विल ऑल्सो बी पॉजिटिव डिस्टेंस। सो माइनस, एंड आई कैन से दिस इज एफ टू, सॉरी एफ डिवाइडेड बाय एफ टू पी, अगेन सेम डिस्टेंस एफ टू पी। सो एज इट इज आप इसको यहां लिख सकते हैं, प्लस एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज बी डैश पी? अभी हमने देखा बी डैश पी इज प्लस डिवाइडेड बाय व्हाट इज बी पी? अगर हम ध्यान से देखें, सो व्हाट इज बी पी? बी पी इज बेसिकली पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, और यहां पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में चलना है? दिस डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। इट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। सो यू की जगह हम लिखेंगे, बीपी की जगह हम लिखेंगे माइनस ऑफ यू। इन केस ऑफ बीपी यू विल राइट इट एज माइनस ऑफ यू। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस, जब हम इसे इधर से उधर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस वी इंटू यू प्लस एफ इंटू यू विल बी इक्वल्स टू वी इंटू एफ। दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर एंड दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नॉट डिवाइड दिस एक्सप्रेशन, u इंटू वी इंटू एफ। अब इस एक्सप्रेशन को u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड कर दीजिए एंड फाइनली यू विल गेट 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल बी नोन एज लेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो तीन टर्म्स आते हैं, दैट इज फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इट मींस जो इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जो इमेज फॉर्म हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, उस इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे भी। आप जो लेंस ले रहे हैं उसका फोकल लेंथ कितना है, क्या वो ज्यादा है या वो कम है, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपका फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म होने वाला है। सो यू कैन नोट दिस। सो हमने अभी लेंस फॉर्मूला नाम का एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिस फॉर्मूले की मदद से हम ये बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज उसकी कहां पे बनेगी, और वो इमेज डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे भी। इस चीज को हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज का डिस्टेंस बताया, लेकिन अगर मुझे इमेज का साइज भी बताना है, साइज मींस कि पर्टिकुलरली अगर कोई इमेज है तो वो इमेज किसी पर्टिकुलर दूरी पे बनती है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनती है, तो उस इमेज का साइज कितना होगा? क्या उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट से छोटा होगा? इस बड़े और छोटे साइज का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग रे डायग्राम्स की मदद से इमेज फॉर्मेशन सीखा, वहाँ पे हमने देखा था कि हर केस में हमने इमेज का नेचर ज़रूर बताया, जैसे कि इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, या डिमिनिश्ड होगी, या मैग्निफाइड होगी, इस बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट को लेट से फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और आई कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो हमने कहा कि जो इमेज फॉर्म होती है, दैट इमेज इज अ लार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज, मैग्निफाइड इमेज, वो इमेज बड़ी फॉर्म होती है। लेकिन बड़ी कितनी बड़ी? कोई पर्टिकुलर साइज तो होगा, 10 टाइम्स बड़ी, 20 टाइम्स बड़ी, 5 टाइम्स बड़ी, कितनी बड़ी? तो ये जो रिलेशन है ये निकालने के लिए कि बेसिकली इमेज का एग्जैक्टली साइज क्या होगा, हमने इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन तो पता लगा ली लेंस फॉर्मूला यूज करके, लेकिन इमेज का एग्जैक्ट साइज भी हमें बताना जरूरी है। तो ये बताने के लिए हम यूज करेंगे एक टर्म दैट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। लीनियर मैग्निफिकेशन एम होता है H2 अपॉन H1, वेयर H2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज एंड H1 इज इक्वल्स टू